श्री गुरु रामदास सेवक जत्था जालंधर की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व को समर्पित 16वां अलौकिक कीर्तन दरबार 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को साय 5 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक छोटी बारादरी पिम्स मेडिकल कॉलेज के खुले पंडाल में गड़ा रोड नजदीक बस स्टैंड जालंधर में करवाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरपरस्त मनजीत सिंह जोली ने बताया कि करवाए जा रहे कीर्तन दरबार को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, सभी सदस्यों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। उन्होंने बताया कि इस कीर्तन दरबार में सचखंड श्री दरबार साहिब के हेड ग्रंथी एवं श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह विशेष रूप से शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि आने वाली संगत के लिए गुरु का टूट लंगर और चाय पकौड़ों का लंगर भी लगाया जाएगा। इस अवसर पर गुरुचरण सिंह, जोगिंदर सिंह, जगदीप सिंह बॉबी, वरिंदर सिंह अरोड़ा, गुरमुख सिंह, जगमोहन सिंह, गुरदीप सिंह बाबा, गगनदीप सिंह गुंबर, रिपुदमन सिंह जोली, जसरूप सिंह, परमिंदर सिंह जोली, जेपीएस अरोड़ा, महेंद्र सिंह बेदी, मनजीत सिंह अरोड़ा, जोगिंदर सिंह गुंबर, अमृतपाल सिंह सहित सभी सदस्य भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। गुरु रामदास जी सेवक जथे वालों जालंधर दे विच अलौकिक कीर्तन दरबार करवाया जा रहा है, जिस विच पंथ दे प्रसिद्ध कीर्तनी है भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी, सतिंदर वीर सिंह जी, सरबजीत सिंह जी लाडी अते भाई गुरदेव सिंह जी आस्ट्रेलिया वाले हाजरियां भर रहे हैं। तो जथेदार अकाल तख्त साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी और सिंह साहब सरदार बलजीत सिंह जी संगतान संबोधन करेंगे। कृपा करके जलंधर के वासियों को बेनती है कि पिम्स के जो लोग कीर्तन दरबार करवाया जा रहा है इतने हाजरियाँ भरो और कीर्तन का आनंद माणो, गुरु घर दिन खुशियां प्राप्त करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। धन धन साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े को समर्पित 16वां कीर्तन दरबार पिम्स मैडिकल कॉलेज की खुली ग्राउंड के करवाया जा रहा है, जिस विच पंथ के प्रसिद्ध रागी जथे अते सिख पंथ की महान शख्सियत अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी विशेष तौर पर इस समागम के पुज रहे हैं। सारी समूह साध संगत को जलंधर साहब के निवासियों को बेनती की जाती है कि कृपा करके सारे प्रोग्राम आप आके अटेंड करो ताकि गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करके महाराज का नाम जप सकीए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिमें कि हर साल की तरह पिम्स मैडिकल कॉलेज के छोटी बारादरी विखे कीर्तन दरबार करवाया जाता है, 26 अक्टूबर न इस साल भी कीर्तन दरबार हो रहा है, जिस विच पंथ प्रसिद्ध रागी जथे आ रहे हैं। सारे इलाका वासियां, जलंधर वासियां अते नेड़े तेड़े जिन्ने भी पिंड है सारियां नूं बेनती की जाती है कि इस समागम दे विच हिस्सा लैके गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो। इस प्रोग्राम का समा शामी 4:30 बजे तो लैके राति 11:30 बजे तक रहेगा, तो तुसी सारे कीर्तन दरबार विच पहुँच के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह जलंधर निवासी संगतां नूं दो हाथ जोड़ के बेनती है, श्री गुरु रामदास जी सेवक जथे वालों 16वां अलौकिक कीर्तन दरबार पिम्स ग्राउंड की खुली पिम्स मैडिकल कॉलेज की खुली ग्राउंड में करवाया जा रहा है, जिस विच पंथ प्रसिद्ध रागी जथे भाई सतिंदर वीर सिंह दरबार साहब, भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी, भाई गुरदेव सिंह जी आस्ट्रेलिया वाले और सिंह साहब जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, मुख ग्रंथी भाई बलजीत सिंह जी सारे इत्थे पुज रहे हैं। सो सारी संगत जलंधर दी नूं बेनती है कि आप जी सारे इस कीर्तन दरबार विच हर साल की तरह आ के रौनकां वधाओ, गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो। गुरु रामदास जी का जस सुन के आपां वध तों वध खुशियां प्राप्त कर सकीए अते तुहाडे नेड़े तेड़े जिन्हों भी ये खबर मिलती है सारे अपने साथियों को खबर दे के सारियां नूं इत्थे लैके आओ ता कि यह अलौकिक कीर्तन दरबार एक अनहद कीर्तन दरबार बन जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमृतसर के रामनगर कॉलोनी में बंगाली परिवार की ओर से पिछले 24 वर्षों की तरह इस वर्ष भी मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना कर 5 दिन तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना बड़ी ही श्रद्धा भाव एवं उत्साह के साथ की गई, जिसके बाद मूर्ति विसर्जन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रधान कमल बंगाली ने बताया कि पिछले
24 वर्षों से वे भक्तों के सहयोग से दुर्गा पूजा का आयोजन करते आ रही हैं, जिसके पश्चात माँ दुर्गा का गुणगान करते हुए ब्यास दरिया में मूर्ति को विसर्जन हेतु लाया गया, जहां पर माँ दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित कर अगले वर्ष फिर से इसी तरह माँ दुर्गा के आने की प्रार्थना की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हर साल यहाँ दुर्गा पूजा होता है, हमें बहुत खुशी मिलती है और हम बहुत आनंद करते हैं। हम बहुत खुशी होती है कि यहाँ दुर्गा पूजा होता है। बहुत कुछ होता है यहाँ, सब मेले लगते हैं, इधर डांस होता है और भी बहुत कुछ होता है। 3-4 दिन रहता है, चौथे दिन विसर्जन होता है। आज हम विसर्जन करने जा रहे हैं, माता को विदाई देने जा रहे हैं। श्रद्धा बहुत है, खुशियाँ लोगों को बहुत होती हैं। हमने बहुत कुछ प्रार्थना की कि हमको खुशी रखे, कि हर साल आए हमें ऐसी खुशियाँ दें। दुर्गा माता का जो 20 तारीख को दुर्गा पूजा चल रहा था रामनगर कॉलोनी में अमृतसर, तो आज माता रानी का मूर्ति विसर्जन करने वास्ते हम ब्यास जा रहा हूँ, और वो भी भारी संख्या में जा रहा हूँ। कम से कम हजारों लोग हमारा साथ माँ दुर्गा का नाचते गाते हो आज विदाई करके उन्होंने आज ब्यास जल प्रवाह करके फिर वापस आएंगे। ये 20 तारीख को लेके आज 25 तारीख तक प्रोग्राम चला, और वो भी बहुत धूमधाम से चला, बहुत बढ़िया नाल चला। और देखो आपका सामने कितना सारा ही पब्लिक जो माता रानी का भक्त है, सारा श्रद्धा है, इन्होंने आके नाच गान कर रहा, नाल माता को विदाई दे रहा, और माता दुर्गा जी का फिर आगे हाथ जोड़ के विनती कर रहा जो पिछले साल अगले साल फिर तुम आओ, फिर तड़ा आशीर्वाद लेंगे और सेवा करेंगे। और बताइए जो पंडाल तैयार होता है खूबसूरत, ये कहाँ कहाँ से कारीगर आते हैं, कितने दिन लगते हैं? ये कारीगर सारा एक दिन मान पहले बंगाल से आता, मालदा जिला से, गंगारामपुर, बारामपुर, ये जहाँ से पंडित जी भी जो ढोल बजाने वाला वो भी सारे बंगाल से आता है। ये एक टीम है, 20-25 बंदा का टीम है, अलग अलग ग्रुप है, ये सारे बंगाल से टीम आता है। और क्या संदेश क्या देंगे कभी अपनी तरफ से लोगों को? तो मैं यही संदेश देना चाहूँ, जहाँ पर भी बंगाली है, जो भी हमारा यूपी बिहार भाई है, माँ दुर्गा श्रेष्ठ है, सबसे हमारा देवता है माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा का पूजा करना चाहिए और सबका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इसी तरह हर साल जो हम कर रहा हूँ 22वां साल में पूजा कर रहा हूँ, तो अगले बार भी हम जितना दिन जिंदा रहेंगे माता दुर्गा का पूजा करते रहेंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का त्यौहार सनातन धर्म सभा की तरफ से हर वर्ष की तरह फिरोजपुर छावनी के रामबाग ग्राउंड में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर फिरोजपुर शहरी विधायक रणबीर सिंह भुल्लर और फिरोजपुर देहात विधायक रजनीश दहिया पहुंचे। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान और SSP फिरोजपुर दीपक खिलौरी भी विशेष तौर पर पहुंचे, तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े प्रबंध किए गए। इस मौके पर राम और रावण का युद्ध भी दिखाया गया। इस मौके पर सनातन धर्म सभा के प्रधान बालकिशन मित्तल, विशाल सिक्का, गगन नानक चंद मित्तल, रूप नारायण गुगन प्रधान, अरोड़ा महासभा के प्रधान विजय सतीजा, लॉयंस क्लब के प्रधान रामचंद्र, डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर राजेश धीमान, SSP दीपक खिलौरी और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन आदर्श नगर कार्यालय जालंधर की ओर से भगवान वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल लंगर लगाया गया। इस दौरान XCN सनी भगत और SDO सुरजीत सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस लंगर का शुभारंभ किया। इस मौके पर रवि पाल भंगानिया, अजय पाल भंगानिया, TSU प्रधान सोमराज सहित स्मूथ स्टाफ मौजूद रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। मैं बंटू सुपरवाल प्रधान सेंट्री सुपरवाइजर एम्प्लाई यूनियन नगर निगम जालंधर तो जी, अज दा ए लंगर दा जिहड़ा प्रोग्राम पंजाब स्टेट कारपोरेशन पावर कारपोरेशन वालों दे समूह कर्मचारियों वालों जो लगाया गया है चिक आदर्श नगर के लंगर का आयोजन किया गया है। यह जरा लंगर समूह कर्मचारियों वालों लगाया गया है, भगवान वाल्मीकि प्रगट उत्सव के उपलक्ष्य में लगाया गया है। तो मैं अपने ते समूह यूनियन वालों नगर निगम समूह यूनियन वालों इन सब कर्मचारियों को लख लख बधाई देना है। तो परमात्मा के चरणों के अरदास करता है कि यह जिन्हें भी कर्मचारी है दिन दुगनी तरह चुगनी करन जी। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। अज के शुभ दिहाड़े दे विच महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म उत्सव के विच बहुत ही श्रद्धा और भगती के नाल पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारियों वालों
चिकचिक औसत दर्शनगढ़ सब डिवीजन दे विच ए लंगर का उपराला किया गया है। जिमें कि हर साल उपराला हुंदा है, बहुत ही परमात्मा की कृपा है इन्ह कर्मचारियों के उत्ते और बहुत ही वधिया ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये लगभग लगातार 5-6 साल तो लगातार ये चलता आ रहा और बहुत ही शानो शौकत न चल रहा है। परमात्मा वाल्मीकि महाराज इन्हों दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शन और अगे तो ये कर्म जड़े अच्छे कर रहे हैं इस तरह ही करते रहन ताकि इस कौम का और इन सारे का अच्छी तरीके भला हो सके और चढ़दियाँ गलों च रहन। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। अज इस बहुत ही पावन के शुभ दिहाड़े से साडे पटेल चौंक के बस्तिया सब डिवीजन के दफ्तर में हर साल जी तरह इस साल फिर सारे ही समूह स्टाफ वालों मिल के गुरु महाराज जी के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में लंगर का जड़ा प्रबंध किया गया वा। ये हर साल की तरह ये हर साल इस तरीके दे नाल सारी संगत हूम हुमा के इस लंगर प्रसाद के वितरण में सारे शामिल होंगे ने। तो इस दे नाल ही मैं सारे संगत बहुत बहुत वधाई देंदे हुए पशा मंडल जलंधर के अधीन आते सारे दफ्तर तो पावर कारपोरेशन के उपमंडल दफ्तर पटेल चौंक के बस्तियाँ समूह स्टाफ के समूह शहर वासियों गुरु महाराज वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट दिहाड़े की लख लख वधाई दिंदा हाँ। तो गुरु महाराज तो अरदास करदा कि जिहड़ा आने वाला समा जिहड़ा हैगा असी उन्हां दी मूल शिक्षावां उत्ते उन्हां दा अपने जीवन में अनुसरण करिए ते इसे तरीके नाल अपने समाज ते देश दी प्रगति विच बढ़ चढ़ के हिस्सा लईए। धन्नवाद। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि जी। अज असी आदर्श नगर पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन के दफ्तर में पटेल चौंक सब डिवीजन आदर्श नगर सब डिवीजन ते बस्तियां सब डिवीजन वालों सारे समूह साथियों के सहयोग नाल बाबा जी के दिन मना रहे हैं। अज के दिन से सारिया संगतों को लख लख मुबारक दिंदा हाँ। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। सारे मेरे वीरां नूं जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। मैं तुहाडा वीर अजयपाल वाल्मीकि यूथ एकता वाल्मीकि महासभा पंजाब संगठन तो अज भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस से जो पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड वालों तो उन्हां दी पूरी टीम वालों जो प्रोग्राम कराया गया वा हर साल इस साल भी लंगर का जो आयोजन किया गया वा साढ़े मुख्य मुख्य मेहमान साढ़े सन्नी भाखड़ा जी एक्शियन साहब एस डी एम साहब सुरजीत सिंह जई साहब जोवनप्रीत जी राजीव जी एस डी राजीव जी टी एस यूनियन के प्रधान सोमराज जी उन्होंने समुची टीम वालों टी एस प्रधान टी एस यूनियन के प्रधान परमिंदर लोधी जी उन्होंने पूरी समुची टीम वालों जो प्रोग्राम कराया गया वा हर साल ये बहुत ही वढ़ चढ़ के जो सतगुर वाल्मीकि जी का प्रोग्राम करवाते हर धर्म का प्रोग्राम करवाते तो मैं एक उन्होंने लख लख वधाई दिना वा अपने संगठन वालों। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। मेरे नाल साडे वड्डे वीर ब्रह्मदेव सोहता जी मुख्य संचालक रविपाल वाल्मीकि जी के दिशा निर्देश से अज असी इत्थे पहुंचे हाँ। सब नूं जय वाल्मीकि, जय भीम। अज महर्षि वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस नूं मुख रखते हुए समूह स्टाफ पी एस पी सी एल वालों बस्तियां सब डिवीजन पटेल चौंक सब डिवीजन वालों परमात्मा का शुकराना किया गया ते लंगर का भंडारा लगाया गया है ते कामना की गई है कि आने वाले समय में सुख शांतिपूर्वक जड़ा साडे इंपलाई काम करते रहन किसी नूं भी कोई तत्ती हवा ना महाराज लगन देन अते सारे लोगों नूं आपां वधिया तो वधिया सुख सहूलत वाली सर्विस जिहड़ी आ मुहैया करवाईए। शिव शक्ति माँ बंगला मुखी मंदिर ग्रोवर कॉलोनी जालंधर में विजयदशमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान उपस्थित भक्तों ने जय श्री राम के जयकारों के साथ माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस दौरान मंदिर प्रधान प्रवीण कत्याल की ओर से लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर प्रमुख सेवादार अमित नारंग, अजय नारंग, पंडित सुनील कुमार, विकी अग्निहोत्री, विकी विज, काजल सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की जिसके बाद
वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र, कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। Thank you.
मोहिंदर पाल शूर की धर्मपत्नी शोभा शूर, जिनका गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, विजय खुल्लर, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, शरत अग्रवाल, कुनान अग्रवाल, सचिन मानिक, चंद्रशूर, पंकज कुणाल सब्रवाल, दिनेश अग्रवाल, चांद शूर, नरेंद्र भारज, सुदर्शन शर्मा, भूषण लूथर सहित पारिवारिक सदस्यों में बेटा गौरव शूर, अमिता साहनी, कावेरी शूर, गौरी बजाज, कमल बजाज सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय शोभा शूर को नमांकों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बरनाला के गांव पखो कला के शमशान घाट में नौजवान का लटका हुआ मिला शव, मृतक के परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। अमृतसर में गत रात्रि दशहरा देखने गए एक नौजवान का हुआ कत्ल, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तरन तारण इलाके में रहने वाली महिला ने नौजवान द्वारा टिप्पणी करने पर निकला जहरीला पदार्थ, हुई मौत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।